हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज सूरी एंड आई वेलकम यू ऑल इन धीरज सूरी क्लासेस. सो इन दिस क्लास वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चन पेपर ऑफ बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 5 पब्लिक इकोनॉमिक्स. पब्लिक इको का जो पेपर हुआ था वो डिस्कस कर रहे हैं. 2021 ओपन बुक एग्जाम हुआ था 2021 में, और इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट टू क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे. थर्ड क्वेश्चन में पार्ट ए, द डिमांड एंड सप्लाई फॉर सॉफ्ट ड्रिंक्स आर गिवन बाय दिस एंड दिस. क्यू इज इक्वल 20 पी डिमांड और क्यू इज इक्वल 3 पी सप्लाई है रिस्पेक्टिवली. सॉल्व फॉर द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी. सपोज नाउ द गवर्नमेंट इम्पोजेज अ पर यूनिट टैक्स ऑफ $4 ऑन द सेलर्स. सॉल्व फॉर न्यू क्वांटिटी, नेट प्राइस रिसीव्ड बाय सेलर्स, प्राइस कंज्यूमर्स पेड. कैलकुलेट गवर्नमेंट रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेशन. Calculate dead weight loss. What fraction of economic incidence of tax is borne by consumers? एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, और सेमेस्टर 5 पब्लिक इकोनॉमिक्स है, मगर इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन हम सेमेस्टर 1 में माइक्रो में पढ़ा देते हैं. इससे ज्यादा लेवल के क्वेश्चन सेमेस्टर 1 के लेक्चर्स में माइक्रो में करा दिए थे हमने आपको, जो सेमेस्टर 1 से पढ़ते आ रहे हैं हमारे पास. सेमेस्टर 1 में भी था इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस माइक्रो इको के अंदर. ये बहुत बेसिक है, बहुत आसान है, ठीक है. वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ खुद से कर लेंगे, फिर भी क्योंकि अब पेपर में आया क्वेश्चन तो डिस्कस करना है, तो मैं करके दिखा रहा हूँ. देखिए आपको, हमारे पास डिमांड फंक्शन है, सप्लाई फंक्शन है. पहले हमको निकालना है इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी. क्यू है 20 - p और क्यू इज इक्वल 3p. थर्ड क्वेश्चन का ए, डिमांड फंक्शन है QD इज इक्वल टू 20 - p. सप्लाई फंक्शन है QS इज इक्वल टू 3p. फॉर इक्विलिब्रियम क्या करते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, यानी 20 - p इज इक्वल टू 3p. दैट मीन्स 20 इज इक्वल टू 4p. इट गिव्स यू p इज इक्वल टू 5. तो इक्विलिब्रियम प्राइस आ रहा है 5, और क्योंकि उसने डॉलर्स में बोल दिया, डॉलर 4 का टैक्स लगाया तो डॉलर उसने बोल दिया, एक जगह हिंट दे दिया, तो डॉलर 5 डॉलर्स का प्राइस आ रहा है. और क्वांटिटी निकालने के लिए चाहे आप पी यहां डाल दीजिए चाहे यहां डाल दीजिए, एक ही वैल्यू आएगी. क्यू इज इक्वल टू 20 - 5 यानी कि 15. सो देयरफॉर इक्विलिब्रियम प्राइस ये है $5 एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये है 20 यूनिट्स. ठीक है, समझ गए, आसान बात. फिर उसने $4 का टैक्स लगा दिया, टैक्स लगाया ऑन सेलर्स. आपको मैं याद कराता हूं, जब टैक्स लगाते हैं ऑन बायर्स तो हम प्राइस में टैक्स ऐड कर देते हैं, P+T कर देते हैं, जहां P है उसको रिप्लेस करते हैं P+T से. और जब सेलर्स पे टैक्स लगाते हैं तो सप्लाई फंक्शन में, मैं शायद पिछली बार डिमांड बोलना भूल गया, मैं दोबारा बोलता हूं, अगर बायर्स पे टैक्स लगाते हैं तो डिमांड फंक्शन में P की जगह रिप्लेस करते हैं P+T, और अगर सेलर्स पे टैक्स लगाते हैं तो सप्लाई फंक्शन में पी की जगह रिप्लेस करते हैं P-T. ये बात हमने आपको बेसिक क्लास से पढ़ाई थी, तो इंसिडेंस की मैं पढ़ा रखी. अब टैक्स ऑन सेलर्स है, टैक्स ऑन सेलर्स कितना है, $4 पर यूनिट. तो सप्लाई फंक्शन क्या हो जाएगा, वो होगा 3 times P-T. ये बहुत सिंपल सा फिनोमिनन है कि भाई आपको सेलर के तौर पे जितना भी पैसा मिलेगा उसमें से $4 आपको गवर्नमेंट को देने, बाकी मिले ना आपको, तो फिर नेट मिला आपको P-4. ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 3P-12. QD वही है, उसमें कोई चेंज नहीं होता. अगर टैक्स लगाए सेलर्स पे तो डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, और अगर टैक्स लगाए बायर पे तो बायर के केस में QD में चेंज करते हैं, जहां P था P की जगह P+ tax रिप्लेस करते हैं, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आता. फिलहाल यहां डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, वो रहेगी 20 - p. अब क्या करेंगे, फॉर इक्विलिब्रियम QD इज इक्वल टू QS, यानी 20 - p इज इक्वल टू 3p - 4. ये आ रहा है कितना, 3p- कितना है, सॉरी वेरी सॉरी, ये 3p - 12 है, 3p - 12, मैं 3 मल्टीप्लाई करना भूल गया, हो जाता है कभी कभी भाई, देखिए गलती किससे भी हो सकती है. तो ये -12 वहां जाके +12 हो जाएगा,
32 इज इक्वल टू, दिस बिकम्स 4p, तो ये p आ गया 8, प्राइस आ गया 8, ठीक है, 8 रुपए का प्राइस आ गया जी आपको। अब यहां पे देखिए, तो ये जो प्राइस है मार्केट प्राइस है, यानी जो बायर्स पे कर रहे हैं, तो प्राइस पेड बाय बायर $8 है, प्राइस रिसीव्ड बाय सेलर, उसको जो भी मिलेगा उसमें से $4 उसको गवर्नमेंट को देना एज ए टैक्स, तो उसको नेट क्या मिल रहा है, $4। तो यानी देखिए, जो गवर्नमेंट ने $4 का टैक्स लगाया उसमें से $3 तो बायर पे पास ऑन हो गया और $1 गया है सेलर के ऊपर। ऐसा क्यों हुआ, इसका भी एक रीजन है, वो जो लास्ट पार्ट उसने बोला ना कि कौन ज्यादा बर्डन या कंज्यूमर पे कितना बर्डन आएगा, वहां इस बात का जिक्र करूंगा कि बायर पे ज्यादा क्यों पास हो गया, सेलर पे कम क्यों रह गया, इसका जिक्र करूंगा आगे। अब क्वांटिटी क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, वो चाहे डिमांड फंक्शन से निकाली चाहे सप्लाई से, 20 माइनस p यानी कि 12, 20 माइनस 8 यानी कि 12। आप चाहे सप्लाई से निकाल दीजिए, यहां डाल देंगे अगर आप 8 तो 24 माइनस 12 वो भी 12 ही आएगा, वो फर्क नहीं पड़ता कोई। तो हमने इक्विलिब्रियम प्राइस निकाल लिया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकाल ली, टैक्स ऑन बायर टैक्स ऑन सेलर सब निकाल दिया, बायर ने कितना पैसा दिया सेलर ने कितना लिया वो सब हम निकाल चुके। इसका एक ग्राफ मैं आपके सामने रख देता हूँ बनाकर, क्योंकि हमको आगे चलते हुए गोइंग फॉरवर्ड ग्राफ की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो डेड वेट लॉस वगैरह भी बोल रहा है। यहाँ पे हम ले रहे हैं क्वांटिटी, यहाँ पे हम ले रहे हैं प्राइस, तो मार्किंग्स करेंगे अगर तो आएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, और ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ठीक है। यहाँ पे डिमांड फंक्शन इनिशियल था क्यू इज इक्वल टू 20 माइनस p, यानी जब क्वांटिटी जीरो है तो प्राइस 20 आ रहा था, यहाँ पे आ रहा है जी। और इक्विलिब्रियम क्या आया था, इनिशियल इक्विलिब्रियम क्या आया था, इनिशियली आया था इक्विलिब्रियम प्राइस आया था 5 और क्वांटिटी आई थी 15, प्राइस 5 क्वांटिटी 15, 5 का प्राइस बीच में, क्वांटिटी आई थी 15, यहाँ कहीं ये रहेगा, दिस शुड बी द पॉइंट, ठीक है। तो मैं डिमांड कर्व यहां से ड्रॉ कर रहा हूं, इनिशियल दिस इज माय डिमांड, डिमांड कर्व आ गई हमारे पास। सप्लाई है क्यू इज इक्वल टू 3p, तो ये 0 0 से स्टार्ट होगा ऑब्वियसली, और इक्विलिब्रियम पे तो जाना ही पड़ेगा इसको भी, ये आपका इक्विलिब्रियम यहां पर आया था इस पॉइंट पे, तो यहां से इसको क्रॉस करना ही है, यहाँ से क्रॉस करना ही पड़ेगा इसको। लीजिए बनाते हैं, ओरिजिन से लेकर ये हमारा आ गया सप्लाई, सो दिस वाज द इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 15 और प्राइस था 5। एक बात मैं बता दूं, अप टू द स्किल नहीं हूं मैं, थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली हिल गया है मामला, लेकिन एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा। अब जब गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, टैक्स लगाने के बाद प्राइस आ रहा है कितना, प्राइस आ रहा है 8 और क्वांटिटी आ रही है 12, यही है ना, प्राइस आ रहा है 8 और क्वांटिटी आ रही है 12, तो 8 प्राइस पर, 8 प्राइस पर क्वांटिटी 12, ये 8 प्राइस और ये 12 क्वांटिटी, ठीक है, क्लियर। और यहां पर जो सेलर है, सेलर को मिला है प्राइस 4 रुपीज का, सेलर को 4 रुपीज का प्राइस मिला है, बायर ने 8 रुपीज का प्राइस पे करा। तो एक मैंने आपको डायग्रामेटिकली चीजों को दिखा दिया अभी जो अब तक हमने करा है। अब क्वेश्चन पे वापस चलते हैं, कह रहे कैलकुलेट गवर्नमेंट रेवेन्यू। अब गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू क्या है सर, ये जो मैं इसको नाम दे देता हूं, ए बी सी डी, तो टैक्स रेवेन्यू ए बी सी डी है, और ए बी सी बेसिकली रेक्टेंगल है। क्या होता है ये, टैक्स रेवेन्यू होता है जो आपका टैक्स रेट है
इनटू जो आपकी क्वांटिटी है आफ्टर टैक्स जो आ रही है। तो टैक्स रेवेन्यू क्या है सी पार्ट में? एरिया रेक्टेंगल ए बी सी डी, यानी टैक्स रेट इनटू क्वांटिटी आफ्टर टैक्स। टैक्स रेट 4 था, क्वांटिटी आफ्टर टैक्स 12 था, तो 48 डॉलर्स का आ गया, डॉलर 48। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू आ गया। ठीक है जी, आसान बात थी। कैलकुलेट डेड वेट लॉस, टैक्स का डेड वेट लॉस। अब ये जो ट्राइंगल, इसको ए बी सी डी, इसको ई बोल देते हैं, इस पॉइंट को लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज ई। तो एरिया ट्राइंगल बी सी ई डेड वेट लॉस है, और एरिया ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पे है आपका जो टैक्स रेट है यानी कि 4, और हाइट है जितना क्वांटिटी में चेंज हो गया 15 से 12, 3 यूनिट्स का। तो डेड वेट लॉस क्या है सर? डेड वेट लॉस है एरिया ट्राइंगल बी सी ई, नाम सही लिखा मैंने? हाँ जी, बी सी ई, बी सी ई। और ये क्या होगा? ये होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पे क्या है? जो टैक्स रेट है। और हाइट यहाँ पे कितनी है? जो क्वांटिटीज में चेंज आया है, 15 से 12 हो गई क्वांटिटी, 15 माइनस 12। सो ये आ गया आपका 2, 3, 2 जर 6 स्क्वायर यूनिट्स। इतना हमारा डेड वेट लॉस है, राइट? ये भी हो गया जी। अब देखो, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इकोनॉमिक इंसिडेंस ऑफ टैक्स बॉर्न बाय कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स ने कितना बॉर्न किए? देखो, ये जो ऊपर वाला रीजन है इस रेक्टेंगल में, मैं इसको एक नाम और देता हूँ, ए बी सी डी ई यहाँ पे दे दिया, इसको एफ बोल देता हूँ, ये एफ है। तो ये जो ए बी एफ है, ए बी सी डी एफ, ये है इंसिडेंस बॉर्न बाय कंज्यूमर्स, क्योंकि कंज्यूमर्स का प्राइस जो 5 पे करे थे वो 8 हो गया। और जो नीचे वाला है, ऑरेंज से शेड कर लेता हूँ, ये है आपका, मैंने इसे ऊपर नाम गलत बोला, इसको भी नाम दिया नहीं, मैंने नाम नहीं दिया पूरा, ए बी सी डी एफ, इसको जी बोल देता हूँ। तो कंज्यूमर्स ने जो फेस किया है रीजन, वो है एफ जी सी डी, जो कंज्यूमर्स ने बॉर्न किया है टैक्स इंसिडेंस। और जो सेलर्स ने बॉर्न किया है वो है ए बी जी एफ, नीचे जो ऑरेंज से शेड किया। तो ऊपर वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? ई पार्ट, शेयर ऑफ कंज्यूमर्स इन टैक्स इंसिडेंस, यह एरिया रेक्टेंगल, क्या नाम दिया मैंने उसको, सी डी एफ जी, और नीचे ए बी सी डी, सी डी एफ जी अपॉन एरिया रेक्टेंगल ए बी सी डी। ये सिंपल सी बात है, आप देख लीजिए, कंज्यूमर्स का जो प्राइस था वो 5 रुपए से बढ़कर 8 रुपए हो गया, इतना हिस्सा कंज्यूमर फेस कर रहा है। नीचे वाला जो हिस्सा है रेड वाला, वो सेलर फेस कर रहा है, ग्रीन वाला ऊपर कंज्यूमर ने फेस किया। और क्वांटिटी तो 12 की ही है, तो थोड़ा छोटा कर देता हूँ कि स्क्रीन पे रहे। ये ऊपर का एरिया होता है 5 से 8 हुआ, मतलब 3 यूनिट्स, क्वांटिटी 12 की है। और नीचे तो आपको पता है टैक्स इंसिडेंस 4 है, 4 × 12 यानी 3/4। जितना भी टैक्स का इंसिडेंस हुआ, उसका 3/4 बर्डन जो है वो कंज्यूमर के हिस्से में गया, 1/4 प्रोड्यूसर यानी सेलर के हिस्से में गया। यहां से क्वेश्चन तो खत्म हो जाता है, मगर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि जो टैक्स इंसिडेंस होता है उसका संबंध इलास्टिसिटी से होता है, इट्स रिलेशन इज विद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कंज्यूमर का बर्डन क्या होता है? शेयर ऑफ कंज्यूमर होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिवाइड बाय इलास्टिसिटी सप्लाई प्लस इलास्टिसिटी डिमांड। मैंने इसको ड्राइव करके क्लास में दिखाया आपको, ये डेरिवेशन दे रखिए। तो यानी अगर सप्लाई ज्यादा इलास्टिक होगी तो कंज्यूमर का बर्डन ज्यादा होगा, और अगर डिमांड ज्यादा इलास्टिक होगी, रिलेटिवली कंपेरिजन हो रहा है, अगर डिमांड ज्यादा इलास्टिक होगी तो सेलर का बर्डन ज्यादा होगा। ठीक है, आप निकाल के चेक कर लीजिए, मैं निकाल के दिखा देता हूँ। आपके सामने डिमांड फंक्शन है, क्यू इज इक्वल टू 20 माइनस पी, डी क्यू बाई डी पी क्या आ रहा है, वो हो रहा है -1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? माइनस पी बाई क्यू इंटू डी क्यू बाई डी पी। इनिशियली जहाँ से टैक्स लगा उस समय प्राइस था 5, क्वांटिटी थी
15 और डी क्यू डी पी आ रहा है -1, यानी आ रहा है 1/3। और सप्लाई फंक्शन था 3p, यानी डी क्यू बाई डी पी है 3। इलास्टिसिटी सप्लाई होगा p बाई क्यू इंटू डी क्यू बाई डी पी, 5/15 इंटू 3, यानी ये 1 आ रहा था। तो ई डी प्लस ई एस 1/3 + 1, यानी 4/3। तो ई डी प्लस ई एस 4/3 आ गया। तो कंज्यूमर का शेयर कितना होगा, ई एस है आपका 1 और ई डी प्लस ई एस है 4/3, यानी ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा 3/4। सेम आ रहा जी आंसर, देख लीजिए। तो बेसिकली ये खेल जो है इलास्टिसिटी का है। अगर सप्लाई ज्यादा इलास्टिक है, रिलेटिवली ज्यादा इलास्टिक है, यानी सप्लाई ज्यादा रिस्पॉन्ड करती है प्राइस चेंज को और बायर कम रिस्पॉन्ड करते हैं प्राइस चेंज को, तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ने पर उन्हीं को बर्डन झेलना पड़ेगा जो कम रिस्पॉन्ड करते हैं। वो पुरानी कहावत है ना, सीधे पेड़ पहले काट दिए जाते हैं, वही कहानी। आप कम इलास्टिक है, आपको फर्क नहीं पड़ता प्राइस बढ़ने का, या कम फर्क पड़ता है तो आपको बर्डन ज्यादा झेलना पड़ेगा। भाई जैसे कभी स्कूल में थे ना आप, जब याद कराता हूँ स्कूल का किस्सा, कभी ऐसा हुआ होगा ना कि सर या जो टीचर हैं वो बहुत नाराज हो गए होंगे, कुछ पूरी क्लास ने शैतानी करी और नाराज हो गए, और अब पिटाई होनी है, लाइन में खड़ा कर दिया, चलो भाई हाथ आगे करो। तो जो खड़ा रहता है तन के, मार लो भाई इतना मारना, उसको दो चार फालतू ही पड़ जाते हैं बेचारे को, रिस्पॉन्स कम दे रहा है। और जो एक पढ़ते ही बस लगता है बेहोश हो जाएगा, उसको छोड़ देना भाई, कुछ हो ना जाए सो कुछ। जोक सपाट, पॉइंट क्या है हमारा कि अगर डिमांड सप्लाई में से जो ज्यादा इलास्टिक है वो कम बर्डन शेयर करेगा, और जिसको फर्क कम पड़ता है, जो कम इलास्टिक है, वो ज्यादा बर्डन शेयर करेगा। उसने कैसे बर्डन निकालना बोला था, हमने यहाँ निकाल दिया था, आपको लॉजिक समझाया मैंने ये पूरी कहानी करके। आप इससे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। दोनों से हमेशा आंसर सेम आएगा, कभी अलग नहीं आएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, थर्ड का ए, बहुत आसान था। और मैं फिर से एक बात बोलूंगा कि हमने जो बच्चे सेमेस्टर 1 से पढ़ रहे हैं हमारे पास, उनको सेमेस्टर 1 में ही इससे ज्यादा एडवांस क्वेश्चन करवाए थे। सेमेस्टर 1 में टॉपिक था टैक्स इंसिडेंस का, वहीं पर आपको इससे काफी ज्यादा एडवांस क्वेश्चन वहां करवाए थे। तो पब्लिक इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 5 में आकर और ऐसा क्वेश्चन सामने आएगा, तो मैं नहीं समझता कोई मुश्किल आपको होने वाली। तो फिर भी मैंने आपको हर बात समझाई है, समझा दिया, क्वेश्चन पूरा करके दिखा दिया। कोई बात ऐसी रह गई जो आपको लगे समझ में नहीं आई है, तो आप प्लीज़ डाउट सेशन में आके पूछ लीजिए। और अगर ये वीडियो यूट्यूब पे गया, मुझे पता नहीं है, शायद जाएगा, अगर ये वीडियो यूट्यूब पे गया तो जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं वो व्हाट्सएप करके अपनी बात को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, राइट, ओके, थैंक यू।